हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं भुने मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जो मैं भून के रखती हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये सरसों का तेल फ्रेंड्स मैं 1 लीटर जला के रखती हूँ, इसका धुआं निकल जाता है, इसलिए आप ये सोचेंगे कि इसमें से धुआं नहीं आ रहा है। ये मैं 1 लीटर हफ्ते भर का, ये भी एक बार कढ़ाई में अच्छे तरह कड़ी पत्ता डाल के इसको जला के रख लेती हूँ। तो इसमें क्या है, इसका धुआं फिर खत्म हो जाता है। अभी मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, हींग, थोड़ी सी मेथी, दो तीन हरी इलायची, ये लौंग, काली मिर्च और ये बड़ी इलायची, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी। अब ये सब डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें ये प्याज जो मैंने हरी मिर्च के साथ पीस के रखे थे वो डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी अंदाज से। इसमें फ्रेंड्स मैं मिनिमम मसाले ही डालती हूँ, थोड़े थोड़े, और हल्दी नहीं डालती हूँ क्योंकि सब सब्जियों में हल्दी नहीं पड़ती है, जैसे राजमा है या और सब दो तीन सब्जियां, छोले हैं। तो इसके लिए फिर ये क्या है, एक इंस्टेंट ये ऑल पर्पस रहता है सबके साथ, सबके सब्जियों के बनाने के लिए। तो जिस हिसाब से सब्जी होती है उस हिसाब से बाद में मैं हल्दी ऐड कर लेती हूँ, और बाकी मसाले कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है तो उस हिसाब से मैं बाद में ऐड करती हूँ उसको। इसमें सिर्फ मिनिमम रहेगा, ये थोड़ी सी सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। वैसे तो हमारे जितने इंडियन मसाले हैं सभी बहुत अच्छे होते हैं हमारी सेहत के लिए, फिर भी थोड़ा थोड़ा एडिशनल इसमें डाल देती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं, नहीं तो निकाल निकाल के अलग रख देते हैं। अब इसमें जो है ये सब मिक्स हो जाएगा ना तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि मैंने इसमें क्या क्या मसाले डाले हैं। चलिए अब इसको भूनते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये तेल छोड़ने लगा है, प्याज हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें बाकी चीजें ऐड करती हूँ। पहले तो मैं तेज पत्ता कट करके डालूंगी क्योंकि बड़े बड़े पत्ते डालते हैं ना हम लोग तो वो वेस्ट हो जाते हैं ऐसे ही, तो इसके लिए मैं इसमें कट करके डाल देती हूँ। अब फ्रेंड्स ये प्याज भून चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 पैकेट। ये 300 ग्राम प्याज थे और 100 ग्राम हरी मिर्च थी, उसके हिसाब से मैं अंदाज से डाल रही हूँ। ये 1 पूरा पैकेट अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो फ्रेंड्स मैं घर में भी बना सकती थी, लेकिन ये बाजार वाले का ना डालने से पूरा बाजार वाला होटल जैसा फ्लेवर आता है सब्जियों में, तो बच्चे पसंद करते हैं तो फिर होटल जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही थोड़ी मेहनत करके घर में ही हो जाता है। ये 1 पैकेट पूरा कोल्हापुरी ठेचे का डालूंगी इसमें, इससे सब्जी का रंग बहुत अच्छा आता है क्योंकि इसमें लाल मिर्च और लहसुन रहती है तो इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और लाल मिर्च से जो है कलर आ जाता है सब्जी में। ये फ्रेंड्स मेरा वीकली का रूटीन है, 1 वीक का बना के रखती हूँ। संडे को बनाना था, खत्म हुआ हुआ था, लेकिन संडे को मेरे को टाइम नहीं था
मैं बाहर चली गई थी तो इसके लिए आज बना रही हूँ। इसको पूरा अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें, जिससे ये मसाले जो हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, ये भी घर का पिसा हुआ ही है। लाल मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी जो ये मैंने खेचा डाला है इसमें मिर्च है तो मिनिमम उसी में रहेगा। ये थोड़ा सूखा धनिया घर का पिसा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, डिब्बा खाली हो गया है, इसके लिए आज मुझे ये पीस के रखना पड़ेगा। ग्लास जो था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें सारे मसाले जा चुके हैं, अब बस ये भून के और इसका फ्लेवर इस मसाले में पूरा आ जाएगा। बहुत कम कम मसाले डाले हैं, बाद में अपने हिसाब से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देती हूँ, ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, फिर ठंडा करके इसको बॉक्स में भर के रखूंगी, फिर दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बॉईल आ गया है। अब ये एक हफ्ते का मेरा गुलाब मसाला रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब मैं इसको गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको ये एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखूंगी, तब तक मैं इसको साइड में कर देती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।